अच्छा आगे आगे क्या हुआ है? मशीन लगी है। इधर देख के बताओ क्या हुआ है? मशीन लगी है अभी। तो फिर क्या होगा? रास्ता बंद होगा। रास्ता बंद है। अच्छा तो गाना नहीं आता तुम्हें कोई? यार सुना दो यार गाना। नहीं आता अभी, मैं छोटा हूँ। अभी छोटा हूँ। अच्छा अस्सलामुअलैकुम, रिपन ट्रिप का नया एपिसोड। और इस एपिसोड में मैं जा रहा हूँ केएल से ताऊबट। नीलम वैली रोड है ये, और 44 किलोमीटर का ये पैच है। और ये 44 किलोमीटर आप समझ लें जैसे बहरीन से कलाम वाला थाना सिलसिला, ये भी वही है। तो 44 किलोमीटर तकरीबन 4 घंटे ले जाता है। लेकिन बीच में अगर कहीं पर आपको तो मशीन मिल गई, कहीं पर सड़क रुक गई, या आपने बार बार अगर एंट्री करवाई, तो आपको 5 घंटे लग जाएंगे। कश्मीर सीरीज में बहुत से लोग वो हैं जो केएल तक जाते हैं, तो मैं आज आपको केएल से ताऊबट का रास्ता भी दिखा देता हूं। आप देख लें, रास्ता देख के फैसला कर लें आपने जाना कि नहीं जाना। मैं क्योंकि बाइक पे निकल रहा हूं और सड़क थोड़ी डेंजरस भी है और थोड़ा गंदी भी है बहुत ज़्यादा, तो दुआ करते हैं, अल्लाह का नाम लेके चलते हैं। और चलने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। केएल बाजार से आगे जाएं तो एक सड़क बाएं हाथ की तरफ मुड़ती है। यह रास्ता शोंटर वैली की तरफ जाता है, जहाँ से चिट्टा खट्टा का ट्रैक निकलता है, जबकि सीधे हाथ जाने वाली सड़क ताऊबट की तरफ जाती है, जिसका फासला तकरीबन 44 किलोमीटर है। और मेरी आज की मंजिल ताऊबट ही है। केएल की आबादी से निकले तो एक ब्रिज आता है, यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन कराना होती है। नीलम वैली रोड का यह हिस्सा बिल्कुल ऑफ रोड है, जो बारिश में नहायत खतरनाक हो सकता है। केएल से ताऊबट तक सड़क का यह हिस्सा एलओसी से दूर है, लिहाजा मैंने ड्रोन फ्लाइट्स भी ली। अभी सफ़र को शुरू हुए 20 मिनट हुए हैं, बल्कि 15 मिनट हुए हैं, और पहला स्टॉप आ गया है। आगे मशीन काम कर रही है तो रुक गए हम लोग। एक घंटे में सड़क क्लियर हुई तो हम निकले। कश्मीर में सड़क पर सफ़र करते हुए आपको अक्सर ये बकरे दिखाई देते हैं। ये आपका सफ़र तो रोक देते हैं, मगर इनका करीब से गुजरना और फिर बकरवाल के मुंह से अजीब सी सीटी सुनना एक मुनफरद तजर्बा है।
केल से निकलने के 12-13 किलोमीटर बाद जामगर गांव आता है। इस गांव से पहले एक आबशार आती है जिसे जामगर आबशार कहते हैं। ये जी जामगढ़ वाटरफॉल है, 10-11 किलोमीटर दूर है केल से, और ये एक पिट स्टॉप है लोगों का, लाजमी यहाँ पे रुकते हैं। मैं यहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ा रहा क्योंकि फैमिलीज हैं, हमें कोई राजी नाना लगा दे, ऐसे आप चेक करें। अभी हम गुरेज वैली में सफ़र कर रहे हैं। सच कहूँ तो नीलम वैली की असल खूबसूरती केल से आगे शुरू होती है, जहाँ सब्ज़ा और जंगल अपने अरूज पर होते हैं। जब आप केल से जाते हैं ताऊबट की तरफ, तो जानवई, फलावई और हलमत, सरदारी, ये विलेजेस आते हैं। और जानवई और फलावई यहाँ से बड़े ही खूबसूरत किस्म के ट्रैक निकलते हैं अस्तौर की तरफ, और ये जो बकरवाल होते हैं ना, बकरियाँ लेके जाते हैं, ये सबसे बड़े एक्सप्लोरर होते हैं, यही स्टोरियाँ सुनाते हैं हमें। और काफ़ी लोगों से भी मैंने सुना है कि माइनारदा वाली साइड पर जो है ना, 7 झीलें हैं स्टेप वाइज, और साथ में आबशारें भी हैं, और काले रंग के पहाड़ हैं, लेकिन उसका एक्सेस नहायत डेंजरस है, लिहाजा हम सुन के खुश हो जाते हैं। अभी हमने 25 से 26 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है, 17 से 18 किलोमीटर का सफ़र रह गया है, और मैं 3 साल बाद आया हूँ ताऊबट, और रास्ते में जितने भी घर थे उनकी सबकी छतें स्टील की हो चुकी हैं, वो जो चादर होती है लोहे की उसकी हो चुकी हैं। मेरा ख्याल था कि ताऊबट जाएंगे तो आपको वो लकड़ी के घर नज़र आएंगे, मे भी आगे चल के नज़र आ जाएँ। अभी हम जिस जगह पर रुके हुए हैं वहाँ पर देखें, दरिया नीलम काफ़ी बेहतर और शोर मचाता हुआ गुजर रहा है। की सड़क बहुत ही डेंजरस भी है और गंदी भी है, तो मेरी इस एपिसोड का ये भी मकसद है कि आप आइडिया ले लें कि आपने यहाँ पे आना है कि नहीं आना। बाकी मेरे नाल जो हो रही हो तो हो ही रही है। जाम करके बाद सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं रहती, और रास्ता आपके असाब का टेस्ट ज़रूर लेता है, मगर मंज़र की खूबसूरती आपको बांधे रखती है। ये सड़क इन पहाड़ों के बीच से गुजरती है जहाँ पत्थरों के साथ मिट्टी मौजूद है, इसलिए बारिश में ये डेंजरस है, और बारिश ना हो तो यहाँ गर्द बहुत उड़ती है। बाइक पर गर्द में सफ़र करना भी मुश्किल काम है। रास्ते में दरिया सड़क के करीब आया तो एक ब्रेक ली।
अभी कश्मीर का वो हिस्सा शुरू हो चुका है जो मेरा फेवरेट है, लकड़ी के बने घर, घरों के सामने खेत और खेतों के पीछे सब्जे से लदे पहाड़, वो सड़क की दूसरी जानिब दरिया नीलम। सुभान अल्लाह। वैसे ये ज़िंदगी देखने में सादा और ख़ूबसूरत है, मगर यहाँ रहना एक मुश्किल काम है। अच्छा, आगे आगे क्या हुआ है? मशीन लगी है। इधर देख के बताओ क्या हुआ है? मशीन लगी है अभी। तो फिर क्या होगा? रास्ता बंद होगा। रास्ता बंद है। अच्छा, तो गाना नहीं आता तुम्हें कोई? यार सुना दो यार गाना। नहीं आता, अभी मैं छोटा हूँ। अभी छोटा हूँ। अच्छा, रास्ते में एक जगह 10 मिनट मज़ीद रुकना पड़ा। सड़क पर कई जगह ब्लास्टिंग कर दी गई है, जबकि रास्ता अभी मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं हुआ। केल से तौबट के सफ़र में आप गुरेज़ वैली में रहते हैं, जिसका मैंने पिछले एपिसोड में जिक्र किया था। इसका ज़्यादातर हिस्सा इंडियन टेरिटरी में वाक़ है। पाकिस्तानी साइड से ये अनएक्सप्लोर्ड और नहायत ख़ूबसूरत है। जिस रास्ते से इस वक्त मैं गुज़र रहा हूँ, आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि बारिश में इस पर सफ़र करना कैसा होगा। वैसे बारिश में सिक्योरिटी की तरफ से आपको सफ़र से मना किया जाता है। इस सफ़र में दरिया नीलम कहीं सड़क के साथ साथ चलता है, तो कहीं ये बहुत नीचे चला जाता है। गुरेज़ वैली का यह हिस्सा खूबसूरत और पुरसकून है, जिसे कैमरे की आंख से फील नहीं किया जा सकता। ये नाला गुजर नाड़ है, जो अस्तोर के मैदानों से आ रहा है। कहा जाता है कि ये ट्रैक नहायत खूबसूरत है।
केल से तावड़ जाना हो तो इसका डिस्टेंस 44 किलोमीटर बनता है, जिसकी मुसाफत में आपको 3.5 से 4 घंटे लगते हैं। क्योंकि सड़क काफ़ी ख़राब है, इसलिए यहाँ सिर्फ जीप या SUV पर ही जाएं। और अगर आप लोकल जीप हायर करें तो इसका किराया 10 से 12 हज़ार रुपये के दरमियान होता है। रास्ते की हालत और सहूलियात को देखते हुए अगर आपके साथ छोटे बच्चे या बुज़ुर्ग अफराद हों तो ये सफ़र ना करें। और इस सारे रीजन में एसकॉम और यूफोन के सिग्नल आते हैं। दरिया में वैली साइड की दोनों तरफ से कई छोटे बड़े नाले शामिल होते रहते हैं। ये गांव सरदारी है, इसका व्यू सड़क से बेहतरीन है। रास्ते में आपको तावड़ से 6-7 किलोमीटर पहले दोबारा एंट्री करानी होती है। यहाँ आपका शनाख्ती कार्ड रख लिया जाता है, जो आपको वापसी पर वापस मिलता है। रास्ते में एक जगह थोड़ी देर के लिए क्रिकेट मैच देखा। अभी हम हलमत में से गुजर रहे हैं। इस गांव में आप रात भी रुक सकते हैं और आपको अच्छा खाना भी मिल सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से तावड़ पहुंच गए हैं। अगले एपिसोड में आपकी मुलाकात करवाऊंगा तावड़ बाला के कुछ खास मेहमानों से। और अगर आप देखना चाहते हैं कश्मीर का खूबसूरत तरीन गांव अरंगकेल तो यहां क्लिक करें। और अगर सफर करना चाहते हैं मुजफ्फराबाद से केल तक का तो यहां क्लिक करें। विपुल ट्रिप पे मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।